सिक्किम जल प्रलय में शहीद होता जवान सरोज साहू को श्रद्धांजलि भुवनेश्वर विमान बंदर में शहीद मरशरीर पहुंचा पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक श्रद्धांजलि जनाइथिले। शहीद मरशरीर पुष्पमाल्य अर्पण करथिले मुख्यमंत्री। एथिस शहीद सरोज संपर्कीय को आश्वासना मध्य देथिले। मुख्यमंत्री फाइव टी सचिव और पुलिस कमिश्नर उपस्थित थिले। समस्ते शहीद संपर्कीय को आश्वासना देथिले। जेतेबेले पार्थिव शरीर पहुंचा भुवनेश्वर विमान बंदर से स्थान में ही उपस्थित थे फाइव टी सचिव मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पुलिस कमिश्नर सौमेन्द्र प्रियदर्शी उपस्थित थे। समस्ते शहीद सरोज संपर्कीय को आश्वासना देते शहीद मरशरीर में पुष्पमाल्य भी अर्पण करते मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शेष श्रद्धांजलि जनाइथिले शहीद प्रति और संपर्कीय को आश्वासना देवास श्रद्धासुमन अर्पण करते। भुवनेश्वर विमान बंदर शहीद मरशरीर पहुंचा पर दिया गार्ड ऑफ ऑनर यहां श्रद्धांजलि राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एथिस वरिष्ठ अधिकारी श्रद्धांजलि ज्ञापन करते। गांव अभिमुखे सरोज मरशरीर किसी घंटा पर जन्ममाटी केन्दुडीप पहुंची सरोज मरशरीर राष्ट्रीय मर्यादार सह गां श्मशान शेषकृत्य शोभायात्रा जन्ममाटी केन्दुडीप को अणाजी मरशरीर को शेष दर्शन सह गां श्मशान शहीद जवान सरोज राष्ट्रीय मर्यादार सह शेषकृत्य संपन्न करने व्यवस्था होती। समस्त क्रियाकर्म समापन पर गांव में होई कमिटी गठन शेष थर पर वीरपुओ को देखापी आतुर नयन में अनाई रही सांग साथी और प्रियजन। शहीद वीर जवान सरोज को झुरुची जन्ममाटी शोक बुड़ी पूरा केन्दुढ़ीप गां वीरपुओं गांव में चूली जलिनी। जब तो मुझे फोन आया था वहां से हमको एसएम सर फोन किए थे कि अभी जो आप देखो सिक्किम में जो बाढ़ हुआ है हमारा 23 जवान मिसिंग है जिसमें तुम्हारा लांस हवलदार सरोज कुमार दास भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे भगवान के निकट प्रार्थना करो जल्दी जल्दी मिल जाए। हम तो जब टीवी में देखा कि घर फोन किया पूरा माँ बाप पूरा और उनका जो न्यूली मैरिड भी अभी हुए थे फिर जब अगले दिन मुझे वो फोटो भेजे कि नहीं आपका भाई का बॉडी मिला है अभी आइडेंटिफिकेशन कर वही सरोज है तो फिर पूरा हम टूट गए। पूरा अगस्त महीने में आए थे और सितंबर 6 में गए थे यहाँ घर से और दिसंबर अगले दिसंबर से आने वाले थे। अभी न्यूली 11 फरवरी 2023 में उनका भी शादी हुआ था 7 महीने पहले। अधिक आलोचना करिबा सीधा सड़क जावा सहयोगी आशीष निकट को आशीष जेहेतु ढेंकानाल जन्ममाटी तांकर एवं जन्ममाटी प्रति गोटे बड़ धक्का गोटे समस्त को बड़ झटका लगी शहीद को हर मान वीर पुओ को समस्ते हर शहीद होती सरोज एवं आउ किसी समय पर सरोज मरशरीर पहुंची जन्ममाटी से कौन सब प्रस्तुति व्यवस्था कौन कर निहत भाव में देखु वीर मटी में पाद थापे वीर जवान सरोज दास एवं आउ किसी समय ही अपेक्षा रही किसी समय पर जितेबले जन्म मटी में पहुँचे सरोज दास बा सरोज दास पार्थिव शरीर जितेबले पहुँचबू शेष थरपाई श्रद्धाजलि अर्पण करने देखिपे आम देखा टीवी स्क्रीन मध्यम जे ढेंकानाल तमाम जो मैंने रही जनसाधारण विभिन्न वर्गर लोक रही समस्ते अपेक्षा कर रही शेष श्रद्धाजलि देवाई विशेषकर जदि कह तेज जो मैंने रिटायर्ड आर्मी पर्सन रही उपस्थित होती विभिन्न राजनेता नहीं प्रशासनिक अधिकारी ढेंकानाळवासी समस्ते अनई बस समय जी निकट निकटतर हो पार्थिव शरीर ढेंकानाळ पहुंचे से हृस्पंदन समस्त बढ़िवार लगी कारण दीर्घ या भितर देखिए 4 दिन बीतीगला निखोज और गोटे दिन पर जितेबाला मृत्यु खबर आसी पहुंचला से दिन ठारू ही समस्त अपेक्षा करवल ढेंकानाळवासी नुहति बरम जन्ममाटी भिटामाटी केन्दुटीर जो मैंने बासीदा रही परिवार लोक रही सांगसाथी समस्ते अपेक्षा कर रही आखिपुर टी दर्शन करेंगे और गाँ श्मशान शेषकृत संपन्न हम तुम गार्ड अफ अनर दिज्व श्रेष्ठ श्रद्धाजलि दिज्व बर्तमान जो मैंने रही आम जिलापा कार्यालय परिसर में रही व्यवस्था कर समस्ते शेष दर्शन करने आम प्रतिक्रिया ना आम सहित जो मैंने रही रिटायर्ड आर्मी पर्सन रही जनसाधारण रही सर कौन कहे कि समय अपेक्षा रही वीर मटी में वीर पुरुष आसी पार्थिव शरीर पहुंच ये आम जो जवान शहीद होती हवलदार सरोज कुमार दास से आम दीघी पाख गाँव जवान से 4 दिन है जो अवस्था घर अवस्था मान कल्पना करें यही आम जवान मान जिंदगी
आपण भाविकर देखंतु साधारण जनता इमान आम मान को पाई कौन कल्पना करछन्दि ए सेठी से माने एक्सरसाइज करिया को जाइथिले एक्सरसाइज करे को जाइथिले तो बहुत गाड़ी बहुत आमनेशन सब गुडा थिला नदी नदी पाख रोड रे सब थिला नदी जते आसी से गाड़ी फाड़ सब फसाई नेछि आ 120 जन खण जाय ता भितरे 100 केवल 23 जन आम जवान कर तो समय सब जवान कर मिली नहीं आमर डेड बॉडी मिली नहीं आओ आम ढेकाण जवान डेड बॉडी मिल जाइछि आमे सेति पाई बहुत धन्य तांको दर्शन कर परिवा नेत अब्रे सर जने आर्मी रिटायर्ड हिसाब रे आपण अधिक बुझि परिबे जे जीवन देबा पई देश मातृका रे जीवन देबा पछर प्रकृत रे केते दुख कष्ट रहिता से परिवार को एवं माटी पई मध्य कोन कहबे ने दुख कष्ट त नै रे किंतु स्वइच्छा रे आमे आम भारत माता रो सर्विस करिया पई भारत माता को सब बेले ऊपर रखिया पई आमे सब बेले चिंतित तेणु आम को परिस्थिति रे आमे जाई रही युद्ध करते गर्व सर आज ढेंकानाल अनुभव कर जीवन देखते देश मातृका सर आम जन्म हो वीरमाटी आ वीरमाटी जीवन देवाई सब आम संकल्पबद्ध आम जिते बड़े भर्ती हलु आम से शपथ नहीं थिलु जे आम देशपाई जीवन देवु सतक सत सी आज सरोज कुमार दास आम जीवन देखते आम गर्वित आम ढेंकानाल माटी गर्वित सरोज दास शुणुले प्रतिक्रिया जेहेतु ढेंकानाल माटी हूँ वीरमाटी कारण ये माटी देखिए पूर्व शहीद बाजी राउत जन्म माटी हर वीर वैष्णव पटनायक शहीद अजित साहू पर सरोज दास नाम रही तेणु निहत भाव में गर्वित समस्त अनुभव कर सर आपची शेष श्रद्धाजलि देवाई कौन कहे के गर्वित आज ढेंकानाल अनुभव कर सरोज कुमार दास आम एक्स सर्विस मैन जिते सेनार सब अवसरप्राप्त मान आसो आम बहुत गर्वित किंतु देश पाई से जीवन देखते वर्तमान मर शरीर पहुंचला समय लगे गाँव में पहुंचा गाँव में कौन व्यवस्था कर सूचना अच्छी पाखे निहत भाव में देखो गांव में जहां सूचना रही आम पाखे ढेंकानाल जिलापा कार्यालय शेष श्रद्धाजलि दिजापर भिटामाटी अभिमुखे बाहर पार्थिव शरीर और जीरा जो रही स्थान रही जीरा निकट रूर दीर्घ तीन रू चार किलोमीटर धरी परिक्रमा कर सूचना रही से हजार हजार संख्यार जो मैंने रही ग्रामवासी रही सांगसाथी बंधु प्रियजन समस्ते अपेक्षा कर रही मात्र जहां अनुमान वर्तमान पार्थिव शरीर खुंटुणी पार हो सारे आ मात्र 10-15 मिनिट मध्य पहुंच ढेंकानाल सहर से पहुंच शेष श्रद्धाजलि दिजापर भिटामाटी अभिमुखे बाहर से निश्चित भाव में समस्ते अपेक्षा कर शेष दर्शन करेंगे और सबुठ बड़ कथा हूँ जिते बड़े जड़े जवान जिते बड़े मृत्यु हुए शेष शेषकृत जो संपन्न कराए तोप सलामी दि जाए कि जेहेतु अगर एक निम रही सन्ध्या परे तोप सलामी दि जाए पारे ना तेणु जो मैंने रही सहित आसुंच जो बीएसएफ जो मैंने जवान रही पूरा टीम जो रही समस्त चेष्टा रही जहां आम पाखे सूचना रही है संध्या पूर्व जदि संभव हुए तेज तोप सलामी दिजाव शेषकृत कि यार भितर समय हूँ सब बड़ कथ जेहेतु तमाम लोक अपेक्षा कर शेष श्रद्धाजलि देवाई तेणु से सब कार्य को समापन कर आगक बढ़ाक पड़ो यार भितर ग्रामवासी अपेक्षा कर शताधिक लोक अपेक्षा कर जिलापा कार्यालय परिसर अठारे ही शेष सम्मान दिजा श्रद्धाजलि ज्ञापन ना परवर्त समय केन्दुढ़ पूर्व आउ कौन स्थान भी समिति चयन कर शेष श्रद्धाजलि देवाई देखो केन्दुप गां पूर्व ही तीन रु चार किलोमीटर धरी जो रही राली करी निया जो पार्थिव शरीर को ढेंकानाल सहर में आयोजन देखुं तेणु वर्तमान सुधा केवल दुईट जगार रही आयोजन रही रही बर्तमान प्रस्तुति रही शेष श्रद्धाजलि ठीक से भाई जिते बनि चार किलोमीटर व्यापी गां निकट निजी तापर पर
घर को पार्थिव शरीर को सेठी जो माने परिवार लोक रही शेष दर्शन करिवे एवं परे परे जो गाँस मसान रही गाँस मसान अभिमुखे बाहर पार्थिव शरीर और सेठी राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत समापन हेबो जहाँ सूचना रही। बिल्कुल आशीष आम जमी भाव में बर्तमान स्थिति देखे समस्ते गर्वित वीर जवान शेष दर्शन करने बहु संख्यार लोक समवेत होती विशेषकर जो मैंने रिटायर्ड आर्मी पर्सनेल अच्छा से भी समवेत होती कितु गाँव में निहाती भाव में समस्ते उत्कंठार अपेक्षा कर रही थे समस्त मन में से गोटे दुख थी कि शहीद जवान सरोजकर से शेष दर्शन करार सुजोग पाँच गोटे गर्वर विषय निहाती भाव में आउ किसी समय पर गाँव में पहुंची मर शरीर तापूर्व ढेंकानाल जिलापालंक कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि ज्ञापन विशेष व्यवस्था करा जाय छि। धन्यवाद आशीष आपण खबर ऊपर नजर रखि थांतु।